हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन कुक्स स्पॉट एंड लाइफस्टाइल। मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुमन कुक्स स्पॉट एंड लाइफस्टाइल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने डेली ब्लॉग में अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। ब्रेकफास्ट और डिनर की जो भी रेसिपीज होती है वो शेयर करती हूँ, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज में आसानी से अपने मंथली बजट के अनुसार हम किस तरह से अपने मंथली बजट में अपने परिवार को सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और किस तरह शैली को निभाते हैं। बस वही एक अपने डेली रूटीन डेली ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, एक प्रस्तुति वही शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी खुद की अपनी जीवन प्रणाली है, जीवन शैली है, उसी को मैंने बस आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में भी छोटे घरों में हम जैसे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जीवन शैली को जीते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो ना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और मेरा ये ब्लॉग अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करना, क्योंकि मेरी रेसिपीज बहुत ही आसान होती हैं जो कि घर में अवेलेबल चीज़ों से बहुत ही आसानी से बनाई जाती हैं बहुत ही कम बजट में। तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज देखिए, आई होप आपको मेरी रेसिपीज ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिए, अपने सुझाव दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। डेली रूटीन में नॉर्मली हम हाउसवाइफ का जो काम है मॉर्निंग से यही शुरू होता है। सुबह उठते पहले झाड़ू लगाना होता है, मेरा काम तो यहीं से शुरू होता है। फिलहाल मैं उठते सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद ही किचन के अंदर जाती हूँ। किचन के फिर अपने काम, अगर स्कूल चालू है तो टिफ़िन बनाना होता है सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाया और उसके बाद किचन में गई हूँ और ना ग्रीन अनियंस खरीदे थे ना, हरे प्याज का साग, फ्रेश फ्रेश आते हैं ना सब्जियों में सर्दियों में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हरे प्याज की सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद है और ये कई चीज़ों में हरे प्याज का हम इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी। तो फिलहाल आज ले लिया था उसे, अच्छी तरह साफ़ करके काट कर धो लिया है और यहाँ पर ना आलू लिए हैं। आलू छील कर ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए, बहुत सिंपल सब्ज़ी है लेकिन इतनी टेस्टी बन जाती है ना। सुबह टिफ़िन में आराम से बनाइए, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में ये सब्ज़ी आराम से आप बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सुबह का टाइम है तो चाय तो ज़रूरी होती है, तो चाय रख दी थी मैंने। यहाँ मसाले कूट लिए थे, कुछ काली मिर्च और हरी इलायची कूट ली है, वो डाल दी यहाँ पर। चाय बन रही है, दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म कर लिया है कढ़ाई में, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, बस 4 से 5 लहसुन कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। बिना किसी मसाले के सिंपल इतनी अच्छी ये भुजिया सब्जी बन जाती है ना, आप आराम से पराठों के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही सिंपल और आसान सी सब्ज़ी है। तो आज ही मैं फटाफट टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ। आलू डाल दिए थे और आलू डालने के बाद ना बस इसे मीडियम फ्लेम पर ही मैंने 4 से 5 मिनट हल्का सा ब्राउन किया है आलू को, मतलब गोल्डन किया है। और यहाँ ना चाय बन चुकी थी तो मैंने गुप्ता जी के लिए चाय निकाल दी, उन्हें चाय दे दूँगी। और यहाँ पर 2 मिनट के लिए आलू को ढक दिया था। ये देखिए आलू मेरे ना क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल हो चुके हैं यहाँ पर। और बस इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर अपने ग्रीन अनियंस को ऐड करूँगी, कि आलू अभी पूरी तरह से पक्के नहीं है, 70% कुक हो चुके हैं, 30% अभी बाकी हैं। तो बस ग्रीन अनियंस डाल दिया। आप चाहे ना तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने हल्दी नहीं डाली क्योंकि मुझे ना ऐसे ही इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी मसाले नहीं ऐड करूँगी मैं यहाँ पर, सिंपल सी सब्जी है, खाने में इतनी टेस्टी है, हर एक अपना तरीका होता है। लेकिन मैं आज आपके साथ अपनी ये सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगी। बस ग्रीन अनियंस डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में चेक कर लिया था। नमक अभी ऐड नहीं किया, नमक ना सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ मैं, तो सब्ज़ी लगभग होने वाली है मेरी। बस यहीं पे नमक ऐड किया था, थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी नमक डालने के बाद ये सब्ज़ी। तो बस उतनी ही देर हमें इस सब्ज़ी को पकाना है क्योंकि आलू हमारे कुक हो चुके हैं और ग्रीन अनियंस ना बहुत जल्दी पक जाते हैं। और नमक यहाँ पर पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने स्वाद अनुसार, 2-3 मिनट के लिए और ढक दिया था और सब्ज़ी मेरी रेडी हुई, पानी सूख चुका था, मैंने गैस का फ्लेम किया बंद, नहा लिया। और नहाने के बाद यहाँ सबसे पहले माता रानी को धन्यवाद दिया एक नए दिन की शुरुआत के लिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ की सुबह की राम राम। चाय बन चुकी थी और यार ना अब बस यहाँ पर लंच के लिए मसूर की दाल बना रही थी मैं, तो मसूर की दाल बना ली है यहाँ पे।
ये टमाटर एक काट लिया, एक प्याज, दो तीन लहसुन कर लिया, दो हरी मिर्चे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट लिया था। तेल गरम किया, उसमें जीरा डाल दिया और साथ ही प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को डालकर फ्राई कर लिया है हल्का गुलाबी होने पर। यहाँ पर मैंने डाल दिया है टमाटर, टमाटरों को भी हल्का सा सॉफ्ट किया है और यहाँ पर थोड़ी सी हींग ऐड की है। हींग से ना दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कुकर में ही मैं इस तरह से मसूर की दाल बनाती हूँ और मसूर की दाल मुझे लगता है ना बहुत लोगों की बहुत ही फेवरेट होती है, तो कई तरह से बनाई जाती है, उबाल कर भी कई लोग बाद में तड़का लगाते हैं। मैंने ये भी रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ, लेकिन आज मैं कुकर में ही इसे बना रही हूँ फ्राई करके। तो टमाटर हल्के सॉफ्ट होते, नमक ऐड कर दिया है, बस नमक के साथ टमाटरों को 2-4 मिनट और इस तरह से लो फ्लेम पर मैंने पका लिया था। और बस मेरे टमाटर लगभग लगभग सॉफ्ट हो चुके थे। बस जब टमाटर सॉफ्ट हुए तो इसी स्टेज पे मैं मसाले मसाले बहुत हल्के मसाले इस्तेमाल किए, आधा चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने और 1/4 चम्मच से भी ना कम ना गरम मसाला इस्तेमाल किया है। बहुत हल्के मसालों में ना दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, दाल बना रहे हैं तो हल्दी को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, तो हल्दी डाल दें यहाँ पर 1/4 चम्मच। और बस हल्की सी लाल मिर्च, तीखा जितना आपको रखना उतना रख सकते हैं, मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, बस हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है। और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद दाल को धोकर मैंने ना 10 मिनट पहले ही भिगो दिया था। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की जिससे ना दालों को एक अच्छा सा कलर मिल जाता है। दालों में से पानी अलग कर दिया है और बस अब इसी स्टेज पे दालों को भी इसमें मैं डाल दूंगी। जैसे तो गुप्ता जी आ जाते हैं, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मैंने सब्जी रेडी की थी, बस उन्होंने लगा दिया छौंका दाल में। किचन में हेल्प करना उन्हें पसंद है और मुझे लगता है ना सभी मेल को फीमेल्स की किचन में हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो दोनों बराबर होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और सभी कामों में ना बराबर का योगदान देना चाहिए, इसी तरह से जीवन की गृहस्थी आगे बढ़ती है। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए, मसाले भी टमाटर के मॉइस्चर में पक चुके थे। तो यहीं पर ना गुप्ता जी ने दालों को भी ऐड कर दिया है और दाल डालने के बाद 3 से 4 मिनट ना फिर यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, सॉरी मैं भूल गई थी, कसूरी मेथी भी ऐड की है यहाँ पर, कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला लिया था। और दाल को इसमें डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट बस मीडियम फ्लेम पर ही मसालों के साथ फ्राई किया है। और गुनगुना पानी, यहाँ पर गुनगुना पानी ऐड किया है हमने दालों में, तो गुनगुना पानी ज़रूर कर लें आप बस। और दाल ना बहुत जल्दी पक जाती है, 4 से 5 सीटी मुझे यहाँ लगानी पड़ती है, आप देखना आपके यहाँ पर कितनी सीटी में दाल गलती है, क्योंकि हर जगह के मौसम के अनुसार अलग वहाँ का टेम्परेचर होता है, तो उसी हिसाब से सीटी भी लगानी पड़ती है कुकर की। तो मैं तो 4 से 5 सीटियों मुझे लगानी पड़ जाती हैं दाल गलाने के लिए। तो लगभग गुनगुना पानी मैंने कर लिया था और 4 से 5 मिनट मसालों के साथ दालों को फ्राई किया है और यहाँ गुनगुना पानी ऐड कर दिया। तो मैंने वजन के हिसाब से 150 ग्राम दाल ली थी और यहाँ पर 3 कटोरी पानी ऐड की है, क्योंकि दाल ना थोड़ी थिक बनती है और ज़्यादा थिक नहीं बनानी है मुझे। उस हिसाब से देखिए दाल का मेरा कलर इस तरह से आया हुआ है और इतनी मैंने पानी डाला है, बस मुझे अब मीडियम फ्लेम पर इसमें सीटियाँ लगानी है और मेरी दाल हो जाएगी रेडी। दाल में उबाल आ गया था, वहीं पर कुकर का ढक्कन लगा दिया है और ये हमारी हो गई है टिफिन की रेसिपी तैयार, यानी टिफिन के लिए सूखे सब्जी बना ली थी मैंने और दाल मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी। मैंने कुकर की सीटी ठंडी हो गई, दाल निकाल कर थोड़ा मर दिया था और अब ठंड आ गई ना, ठंड के लिए कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। तो बस उसके बाद मैंने घर के काम करने के बाद ये ठंड के कुछ जैकेट स्वेटर वगैरह बच्चों के लिए निकाले, क्योंकि अब ठंड लग रही है, मौसम चेंज हो गया, अपने लिए कुछ स्टॉल वगैरह निकाली। और फिर ना ठंड के कपड़े निकालने के बाद उनके अलमारी में जगह भी बनानी पड़ती है, गर्मियों के कपड़े फिर अंदर रखने हैं और ठंड के कपड़े फिर अलमारी में जाएंगे। तो बस इसी तरह से विंटर की शुरुआत हो रही है, काम काफ़ी बढ़ चुका है और काम तो कर। तो बस ये हो गई है मेरी लंच और ब्रेकफास्ट की थाली तैयार, सिंपल लेकिन टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो एंजॉय करते हैं आज की ये लंच प्लस ब्रेकफास्ट यानी ब्रंच की थाली। तो आइए हमारे साथ ब्रंच कीजिए और कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर देना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।